नमस्कार दोस्तों पी एस में आपका स्वागत है पी एस जो कि जी कार्ड एफ कार्ड रूल सिक्स एग्जाम के लिए मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है आपका स्वागत करते हैं मैं आपका दोस्त लोकेश श्रीवास्तव डायरेक्टर पी एस एंड फैकल्टी दोस्तों आपसे मिल रहे रिस्पॉन्सेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं इसी तरह से वीडियोज लाता रहूँगा आप मेरा हौसला बनाए रखें दोस्तों सी बी एल आर रूल्स एक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टू थाउजेंड नाइनटीन के दो वीडियोज़ मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ आपको अगर वो देखने हैं तो डिस्क्रिप्सन लिंक में उसका लिंक दे दूँगा दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्ज़ाम के लिए माइलस्टोन स्टोन होते हैं नींव का पत्थर होते हैं उनसे आपको पता लगता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा किस डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है यह सारा आइडिया आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के हो जाता है और जो लोग ट्वेंटी मार्च टू एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनको मैं सजेशन देना चाहता हूं कि आप फोकस कस्टम सेक्ट पर विशेष कर रखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो कस्टम एक्ट से ही आते हैं अगर आपको कस्टम्स एक्ट नहीं आता इसका मतलब इस एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ नहीं आता रेस्ट जो है वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है बट कस्टम एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एग्जाम के लिए है तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट इफ द इम्पोर्टर इज रिक्वायर्ड टू पे ड्यूटी इन एडिशन टू द प्रोविजनली असेस्ड ड्यूटी ही इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट जब फाइनलाइजेशन होता है प्रोविजनल असेसमेंट का उस समय इंपोर्टर को ड्यूटी के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है आपके ऑप्शन हैं स ओनली इफ ही डज नॉट पे द अमाउंट विद इन थ्री मंथस हां केवल तभी देना पड़ता है जब थ्री मंथ्स में वो अमाउंट का भुगतान ना कर देखिये थ्री मंथ्स वाला जो क्लॉज है ना वो है आपका वेयर हाउसिंग में यहां क्या बात कर रहा है वो प्रोविजनल असेसमेंट की यस वर्क एंड फोर्स द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यूटी इज प्रोविजनली असेस्ड टिल द डेट ऑफ पेमेंट देयर ऑफ देखिए ये जो ऑप्शन जो है आपका वो राइट right आंसर है बिकॉज सेक्शन 18 में ये प्रोविजन किया गया है जिस महीने में आपका ड्यूटी का प्रोविजनली प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उस महीने की फर्स्ट डेट से जब तक ड्यूटी का पेमेंट नहीं हो जाता तब तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा थर्ड ऑप्शन इज यस वर्क एंड फोर्स डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट टिल द पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड फोर्थ वन इज नो सेकंड वन इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड टू इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आई क्यू एस आई क्यू एस को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि बी आई एस जिनपे एप्लीकेबल होता है द एक्सपोर्टर ऑफ सच गुड्स फ्राम फॉरन कंट्री मस्ट बी रजिस्टर्ड विद फॉरेन कंट्री का जो एक्सपोर्टर है इनमें से किन संस्थाओं के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए सीबीआईसी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखिए क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जो संस्था है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थ्री इफ़ द री असेसमेंट डन बाय द डिपार्टमेंट इज कॉन्ट्रेरी सेल्फ असेसमेंट डन बाय द इम्पोर्टर देन री असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट कॉन्ट्रेरी हैं इन दैट केस सेल्फ असेसमेंट डन बाय द इम्पोर्टर सेल्फ प्रवेल कभी नहीं सेल्फ असेसमेंट के बाद रीअसेसमेंट होता है जो कि प्रॉपर ऑफिसर करता है तो उसका महत्व ज़्यादा होता है इसलिए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेल्फ असेमेंट सेकेंड देखिए री असेसमेंट डन बाय द डिपार्टमेंट सेल्फ रिविल थर्ड ऑप्शन देखिए इधर द इम्पोर्टर हैज टू एक्सेप्ट द रीअसेसमेंट इन राइटिंग और द डिपार्टमेंट हैजू इशू स्पीकिंग ऑर्डर विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ री असेसमेंट दिस इज द करेक्ट आंसर या तो वह असेसमेंट रीअसेसमेंट जो हुआ है एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट उसको स्पीकिंग ऑर्डर देगा विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ री असेसमेंट रीअसेसमेंट के फिफ्टीन डेज में तो योर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फोर वर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड सबमिटेडेशन ऑफ द बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री के टाइम पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के टाइम पे कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं इन वॉइस कम पैकिंग लिस्ट बिल ऑफ लैडिंग और एयरवे बिल एंड कंट्री ऑफ ऑरिजिन सर्टिफिकेट ट सेफ्टी डाटा एंड सर्टिफिकेट एनालिसिस इन वॉइस कम पैकिंग लिस्ट बिल ऑफ लैडिंग और एयर वे बिल कंट्री ऑफ ऑरिजन सर्टिफिकेट परचेस ऑर्डर एंड लेटर ऑफ क्रेडिट सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या है मिनिमम मिनिमम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जब आपको बिल ऑफ एंट्री आप फाइल कर देते हो क्लियरेंस के लिए इन वॉइस का कम पैकिंग लिस्ट एक हो गया और बिल ऑफ लेटिंग या एयरवे बिल हो गया ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं कौन सा ऑप्शन कहता है ऑप्शन नंबर टू कहता है दिस इज द करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फाइव No order confiscating any goods or imposing any penalty or any person shall be made under the Customs Act 1962 unless the owner of the goods or such person is given a notice informing him of the grounds on which it is proposed to confiscate the goods or impose penalty, given an opportunity of making a representation in writing, given personal hearing. जब भी माल कॉन्फिस्केट होता है अंडर सेक्शन 111 और 113 एक नोटिस निकलता है तो ये पहला वाला जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन ए नोटिस इनफॉर्मिंग हिम ऑफ द ग्राउंड ऑन विच इट इज़ प्रपोज टू कॉन्फिस्केट द गुड्स और इम्पोज पेनल्टी दिस इज करेक्ट गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन एन राइटिंग दिस इज ऑल्सो करेक्ट Given personal hearing, this is also correct. All three are correct. Hence, fourth option is your correct answer. First, second, and third, all are correct. So, fourth option is your correct answer. Coming to question number 106 For how long the assessed copy of Bill of Entry and its supporting documents in original are to be retained? as per bill of anti electronic integrated declaration and paperless processing regulations 2018 by the custom broker it is 5 years hence third of op, uh, second option first option is 3 years second option 5 years third option 7 years fourth option 10 years 5 years is the correct answer second option is the correct answer coming to question number 1 107 इन केस ऑफ एडवांस बिल ऑफ एंट्री द रेट ऑफ एक्सचेंज इज टू बी टेकन एज ऑन एडवांस बिल ऑफ एंट्री एडवांस बिल ऑफ एंट्री में एक्सचेंज रेट किस डेट का लिया जाएगा देखिए सेक्शन 15 जो कहता है रेट ऑफ ड्यूटी की बात करता है सेक्शन 14 आपके एक्सचेंज रेट की बात करता है और दैट एक्सचेंज रेट शैल बी टेकन ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन

this is incorrect custom valuation determination of price of imported goods rules 2007 yes this is all correct custom valuation rules 1963 not applicable it is not correct custom valuation determination of price of export goods rules 2007 this is for export and question is talking about import that's why second option is correct 2007 टू थाउजेंड सेवन वाला वन हंड्रेड नाइन होल्डी ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ किसको मिले हुए हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जो है वो आपके कस्टम्स एक्ट के 130 के सेक्शन 137 के 3 में दिया हुआ है किसको पावर्स हैं सीबीआईसी को नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम या चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को यस yes, इनको है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को नहीं है सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री वन हंड्रेड टेन वट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड टू बी सबमिटेड बाय एन इंपोर्टर वाइल प्रेजेंटिंग वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री बॉन्ड की वैल्यू वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री के सपोर्ट में कितनी होनी चाहिए एज पर सेक्शन फिफ्टी नाइन क्या कहता है Bond equivalent to the value of consignment? No, this is not. Bond equivalent to double the duty assessed in the warehouse bill of entry? No, this is also incorrect. Bond equivalent to triple the duty amount assessed in the warehouse bill of entry? Yes, this is all correct. They section 59 triple duty bond diya jata And fourth is none of the above. Option number three is your correct answer. Coming to question number 111. वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड एंड द गुड्स इंपोर्टेड आर वेयर हाउस इन कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस द गुड्स आर क्लियर फ्रॉम द वेयर हाउस आफ्टर फोर मंथस वेदर एनी इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन द ड्यूटी पेबल सी नाइंटी डेज के बाद कहा लिखा हुआ है सेक्शन सिक्सटी वन के टू में आफ्टर नाइनटी डेज बॉन्डेड उस में जो माल रखा हुआ है आपका उस पर उसकी ड्यूटी पे इंटरेस्ट लेवी होता है आफ्टर नाइन्टी डेज यहां कितने मंथ्स की बात करता है आफ्टर फोर मंथ्स तो इंटरेस्ट लगेगा यस yes, डेफिनेटली लगेगा बट ऑप्शंस क्या हैं यस यस फॉर द पीरियड आफ्टर नाइन्टी डेज फ्रॉम द वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स यस फॉर द पीरियड आफ्टर सिक्सटी डेज फ्रॉम द वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स नो सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेल्व द टाइम लिमिट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इज फिक्स बाय आपने माल एक्सपोर्ट किया उसके अगेंस्ट में जो पैसा आना चाहिए वो पैसा आने का के टाइम की लिमिट कौन फिक्स करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं आरबीआई फेमा नाइनटीन नाइनटी नाइन यस दिस इज द करेक्ट आंसर आर बी आई ही फाइनल करती है कि कितने टाइम में आपका पैसा आ जाना चाहिए अगेंस्ट एनी एक्सपोर्ट आर बी आई ने फाइल आर बी आई ने उसको फाइनलाइज किया हुआ है उसको फिक्स किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नो आर बी आई कस्टम्स एक्ट नो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 113 हंड्रेड ए बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड बाय एन इंपोर्टर ऑन फिफ्टींथ मार्च 2019 एंड इज फैसिलिटेड बाय द आरएमएस एम एस एज नो असेसमेंट एंड नो एग्जामिनेशन व्हेन ड्यूटी हैज टू बी पेड बाय द इम्पोर्टर टू अवॉइड इंटरेस्ट लाइबिलिटी देखिए रूल क्या है अगर सेल्फमेंट असस्ड बिल ऑफ एंट्री है उस केस में सेम डे आपको ड्यूटी का पेमेंट कर देना है अगर असेसमेंट में गई है बिल ऑफ एंट्री प्रॉपर ऑफिसर के पास गई है तो नेक्स्ट डे तक आपको ड्यूटी का पेमेंट कर देना है अगर आप नहीं करते हो तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा कहां लिखा हुआ है फोर्टी सेवन के टू में लिखा हुआ है अब यहां जो बात कर रहा है वो आर में फैसिलिटेटेड है फैसिलिटेटेड है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ असेसमेंट एक्सेप्ट हुआ उसका अगर सेल्फ असेसमेंट एक्सेप्ट हुआ है तो उसी दिन फिफ्टींथ मार्च को ड्यूटी का पेमेंट हो जाना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन इज सेवनटींथ मार्च सेकेंड ऑप्शन इज सिक्सटींथ मार्च थर्ड ऑप्शन इज फिफ्टींथ मार्च एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द एबब द करेक्ट आंसर इज फिफ्टींथ मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन राइट right. 2019 में फिफ्टी मार्च को ही पेपर था कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट गारंटी अगेंस्ट इज नन ऑफ द एब योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टीन आईसी हैज टू बी ऑप्टेन फ्रॉम विच डिपार्टमेंट आई सी कौन सा डिपार्टमेंट इशू करता है डीजीएफ टी कस्टम जीएसटी नन ऑफ द डी जी एफ टी आई सी इश्यू करता है फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटीन कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स इज पेज पेड ऑन सी आई एफ वैल्यू सी आई एफ प्लस वन परसेंट वैल्यू एफ ओ वी वैल्यू नन ऑफ द एब कस्टम ड्यूटी नाव एज पेड ऑन सी आई एफ वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवनटीन फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट कस्टम्स फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल रेगुलेशन रेगुलेशंस 2018 पेनल्टी कैन बी इम्पोज ऑन ओनली कस्टम ब्रोकर देखिए प्रोविजनल असेसमेंट से फाइनल असेसमेंट करने के लिए रेगुलेशंस बने हुए हैं 2018 में उसमें किस किस पे पेनल्टी का प्रोविजन है कहता है ओनली कस्टम ब्रोकर नो ओनली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव दैट इज ऑल्सो नो

पावर टू एक्सटेंड दीरियड फॉर गिविंग नोटिस अगर सीज्ड गुड्स के लिए नोटिस इश्यू नहीं हुआ किसको पावर है एक्सटेंड करने का तो उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने का पावर जो है वो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को है अंडर सेक्शन वन हंड्रेड टेन का टू पहले सिक्स मंथ्स मिलते हैं प्रॉपर ऑफिसर को देन प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर अनदर सिक्स मंथ्स फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्विफ्ट स्विफ्ट के बारे में क्या सही है इट अलाउज इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर द फैसिलिटी टू लॉज

All are correct statements about SWIFT. Options are first, second, third, only first, only second, only third. First option is your correct answer. Coming to question number 120. Coming to question number 120. Custom broker licensing regulations 2018 shall apply to licensed custom broker, person employed by licensed custom broker, persons. इंगेज बाय लाइसेंस कस्टम ब्रोकर ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट इट इज रिटर्न इन सीबीएलआर टू थाउजेंड एटीन इंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी वन इन फर्स्ट चेक असेसमेंट फर्स्ट चेक असेसमेंट में क्या होगा गोर्स आर फर्स्ट एग्जामिंड एंड असेसमेंट इज डन देयर आफ्टर पहले गुड्स गूर, का एग्जाम होगा और असेसमेंट उसके बाद होगा गुड्स आर एग्जाम असेसमेंट असेसमेंट के बाद गुड्स का एग्जाम होगा एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी ये सेकंड, सेकंड चेक में होता है तो फर्स्ट चेक वाली कंडीशन ये नहीं है थर्ड ऑप्शन देखिए गुड्स आर क्लियर फर्स्ट एंड असेसमेंट इज डन लेटर पहले माल निकल जाए बाद में असेसमेंट हो ऐसा कभी नहीं होता नन ऑफ द एहब ये भी इनकरेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन गुड्स आर फर्स्ट एग्जामिंड एंड एसेसमेंट इज डन लेट दियर आफ्टर इज द करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी टू इन एबसेंस ऑफ एक्चुअल फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस द परसेंटेज ऑफ एफ ओ वी टेकन एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग दसेसेबल वैल्यू इज देखिए जब आपके पास फ्रेट और इंश्योरेंस नहीं हो नहीं हो मतलब एक्चुअल actual, एक्चुअली जितना खर्च हुआ उसका आपको आइडिया नहीं हो तब क्या होगा फ्रेट आप ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ वैल्यू ले लोगे इंश्योरेंस एट द रेट वन पॉइंट वन टू फाइव परसेंटेज ऑफ एफ वैल्यू ले लोगे ऑप्शन नंबर वन देखिए फ्रेट एटीन परसेंट इन है फ्रेट ट्वेंटी परसेंट करेक्ट इंश्योरेंस वन पॉइंट वन ट्वेंटी फाइव परसेंट करेक्ट सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर Third one is freight 20%, insurance 2%. Incorrect. None of the above. Incorrect. Second option is your correct answer. Coming to question number 123 <clears throat> What is the maximum quantum of penalty that can be imposed under customs finalization of provisional assessment regulations 2018 for contravention of any of its provisions? Finalization of provisional assessment. रेगुलेशन हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी कितनी लगाई जा सकती है अप अपटू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर द एक्सचेंज रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री इज टेकन एज एक्सचेंज रेट एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के लिए कौन सी ली जाएगी द रेट एज ऑन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री जिस दिन बिल ऑफ वेयर हाउसिंग वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल की गई थी वो वाली एक्सचेंज रेट कौन सा लिया जाएगा द रेट एज ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री द रेट एज ऑन द एक्चुअल क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन नन ऑफ द एब ऑप्शन नंबर टू एंड ऑप्शन नंबर थ्री जो बात करते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री और गुड्स फॉर होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं एक्चुअल क्लियरेंस जब अंडर सेक्शन 68 होता है तो वो होम कंजम्शन के लिए ही होता है और एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउस से माल बाहर निकालने के लिए जो बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है वो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री होती है तो ये दोनों ऑप्शन सेम है योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट द रेट एज ऑन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री इज करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव वट इज द रेट ऑफ सोशल वेलफेयर सर्चार्ज एसडब्ल्यू एस डिवाइड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एस डब्ल्यू एस कितने परसेंटेज से लगता है टेन परसेंट ऑफ द एसेसबल वैल्यू नहीं लगता देखिए सेज जो लगता है सरचार्ज जो लगता है सरचार्ज जो लगता है वो बेसिक बेसिक ड्यूटी पे लगता है किसी भी ड्यूटी पे टेन परसेंट ऑफ़ एसेसबल वैल्यू नहीं टेन परसेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर टेन परसेंट ऑफ एसेसबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी नो नन ऑफ द एबअप ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स इफ द एक्सपोर्टर फाइंड द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक पेड इज लेस देन वाट इज ड्यू देन ही कैन ओनली फाइल ए लेटर ऑफ प्रोटेस्ट नो लेटर ऑफ प्रोटेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है कैन नॉट क्लेम द डिफरेंस कर सकता है क्लेम डिफरेंस मे फाइल ए सप्लीमेंट्री ड्रॉबैक क्लेम यस ही मे फाइल सप्लीमेंटरी ड्रॉबैक क्लेम एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द एबब फोर्थ वन इज नन ऑफ द एब तो ऑप्शन नंबर थ्री ने फाइल ए सप्लीमेंटरी क्लेम इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सेवन कैन सीज्ड गुड्स भी प्रोविजनली रिलीज पेंडिंग एड देखिए सेक्शन वन हंड्रेड ए में आपका सीज्ड गुड्स प्रोविजनली रिलीज हो सकता है सेक्स कमिंग क्वेश्चन सेक्शन वन हंड्रेड टेन ए में आपका सीज्ड गुड्स प्रोविजनली रिलीज हो सकता है सेक्स क्या कहता है क्वेश्चन कैन सीज्ड गुड्स भी प्रोविजनली रिलीज पेंडिंग एडजुडिकेशन यस इट इज कंडीशन क्या है यस फर्स्ट ऑप्शन क्या है यस इफ द सीजिंग ऑफिसर थिंक्स सो सीजिंग ऑफिसर को डिसाइड करने का कोई पावर नहीं होता सीज्ड गुड्स में नो ओनली आफ्टर एडजुडिकेशन ऐसा भी नहीं है कि एडजुडिकेशन हो ही जाएगा तभी आपका माल रिलीज होगा यस yes. टेकिंग बॉन्ड विथ सिक्योरिटी एंड फुलफिल्मेंट ऑफ कंडीशन इम्पोज बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखिये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही डिसाइड करती है कि माल सीज्ड माल जो है सीज्ड गुड्स जो है आपका प्रोविजनली रिलीज होगा या नहीं होगा थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर यस इफ द कंसर्न इम्पोर्टर एक्सपोर्टर वांस सो वो तो मांगेगा तभी होगा वन ट्वेंटी एट वाट बेसिस क्वांटम ऑफ सिक्योरिटी इज डिटर्मेंड फॉर प्रोविजनल असेसमेंट एज पर सी सी बी आई सी सर्कुलर नंबर थर्टी एट ऑब्लिक टू थाउजेंड सिक्सटीन कस्टम्स ड्यूटी डिफरेंशियल सी आई एफ वैल्यू ऑफ द गुड्स एसेसबल वैल्यू ऑफ द गुड्स मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स सी एज पर सर्कुलर थर्टी एट ऑब्लिक टू थाउजेंड सिक्सटीन ड्यूटी डिफरेंशियल शैल बी द बेसिस फॉर क्वांटम ऑफ सिक्योरिटी हैंज योर ऑप्शन नंबर वन is correct answer coming to question number 129 under apcg scheme the export obligation is based on duty saved on imports value of imports only igst saved on imports only basic custom duty saved on imports first option duty saved on imports is your correct answer coming to question number 130 130 ए पर्सन इम्पोर्ट गुड बर्थ रुपीज वन लैख रुपीज एंड सेल दैम ऑफ द सेम ऑन हाई सीज टू अन अदर पर्सन फोर रुपीज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ऑन वर्ड वैल्यू द कस्टम्स ड्यूटी शुड बी चार्ज देखिए लास्ट सेलिंग प्राइस जो होती है किस में हाई सी सेल में हाई सी सेल में लास्ट सेलिंग प्राइस जो होती है उस पर ड्यूटी देनी होती है किस लास्ट वाले व्यक्ति को जिसने लास्ट में माल हाई सीज में खरीदा है ऑप्शन नंबर वन रुपीज वन लैख टू रुपीज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड थ्री रुपीज़ वन लैख प्लस टू परसेंट फोर्थ रुपीज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड प्लस टू परसेंट टू परसेंट वाला फंडा अब हट गया है खत्म हो गया है तो यो करेक्ट आंसर इज रुपीज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन थर्टी वन एंड एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट गुड्स बर्थ रुपीज वन लैक एफ ओ बी अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम ही रिसीव्स ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड द रेमिटेंस फॉर द एक्सपोर्टेड गुड्स इज रिसीव्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ सिक्सटी थाउजेंड वेदर ड्राबैक इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम देखिए जब आप कोई एक्सपोर्ट करते हो और आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं आता है तो प्रपोर्सनेटली ड्रॉबैक आपसे रिकवरेबल हो जाता है या प्रपोर्सनेटली की बात करता है सिक्सटी थाउजेंड एक लाख रुपए का माल बेचा सिक्सटी थाउजेंड उसका आ गया फोर्टी थाउजेंड अटक गया फोर्टी थाउजेंड सेल प्रोसीड नहीं आया तो प्रपोर्सनेटली टेन थाउजेंड में से टेन थाउजेंड का था थाउजेंड उसको ड्रॉबैक मिला सिक्स थाउजेंड पे पे गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिक्सटी थाउजेंड आ चुका है प्रपोर्सनेटली जो नहीं आया है फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड रुपीज या वट नहीं आए हैं उस पे फोर थाउजेंड रुपीज रिकवर किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो ऑप्शन है यस रुपीज फोर थाउजेंड यस रुपीज टेन थाउजेंड यस रुपीज सिक्स थाउजेंड नो सिक्स थाउजेंड तो उसका एडमिजिबल हो गया टेन थाउजेंड टोटल था फोर थाउजेंड रिकवर होगा दैट्स वाई ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन थर्टी टू द कंपल्सरी कंप्लायस रिक्वायरमेंट सीसीआर इंस्ट्रक्शन इन दिल ऑफ एंट्री जनरेटेड बाय आर एम एस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंपोर्टर सेकेंड कस्टम ब्रोकर कस्टम ऑफिसर्स सी जो होते हैं कंपलसरी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट सिस्टम के द्वारा जनरेटेड होते हैं किस किस पे एप्लीकेबल हैं इंपोर्टर पे कस्टम ब्रोकर पे या कस्टम ऑफिसर्स पे भी देखिए तीनों पे एप्लीकेबल हैं तो दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन अर ड्यूटी इज नॉट पेबल ड्यू टू एक्जम्सन चार्जेस फॉर डिलेड प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री अंडर बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेसन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलशन टू थाउजेंड एटीन शेल नॉट एक्सीड देखिए एक नोटिफिकेशन था थर्टी सिक्स पब्लिक टू थाउजेंड एट्टीन वो क्या था बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलेशन टू थाउजेंड एट्टीन उसमें ये प्रोविजन है कि अगर ड्यूटी पेबल है, इन दैट केस जो लेट प्रेजेंटेशन चार्जेस हैं, वो फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा नहीं लगेंगे ऑप्शन देखिए रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड वन लैख रुपीज ऑप्शन नंबर टू इज योर करेक्ट आंसर वन थर्टी फोर देखिए एज पर रूल टेन ऑफ कस्टम वैल्यूशन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स रूल्स टू थाउजेंड सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी एडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू इनमें से कौन सा आइटम ट्रांजेक्शन वैल्यू में नहीं जुड़ेगा एड नहीं होगा ऑप्शन आर बाइंग कमीशन कॉस्ट ऑफ पैकिंग ब्रोकरेज रॉयल्टी रिलेटेड टू द इम्पोर्टेड गुड्स विच इज पेबल एज ए कंडीशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स देखिए उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आपके रूल्स में रूल टेन में कि वाइंग कमीशन विल नॉट बी एडेड तो ऑप्शन नंबर वन इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फाइव पिक द राइट आंसर वे एनी गुड्स इंपोर्टेड इन ए पैकेज आर लाइबल टू कॉन्फिस्केशन द पैकेज एंड एंड एनी अदर गुड्स इंपोर्टेड इन दैट पैकेज सेल ऑल्सो बी लाइबल टू कॉन्फिस्केशन ये करेक्ट है द क्यों करेक्ट है क्योंकि सेक्शन कस्टम्स एक्ट के सेक्शन वन हंड्रेड एटीन में यह लिखा हुआ है आपके ऑप्शन हैं द स्टेटमेंट इज रॉन्ग द स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली द गुड्स शुड बी कॉन्फिस्केटेड ओनली द पैकेज शुड बी कॉन्फिस्केटेड सेकेंड ऑप्शन जो है द स्टेटमेंट इज करेक्ट इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स द रेट ऑफ एक्सचेंज एप्लीकेबल टू इंपोर्टेड गुड्स इज फिक्सड बाय होम रेट ऑफ एक्सचेंज कौन डिसाइड करता है ओब्वियसली सीबीआईसी डिसाइड करता है तो देखिए सी बी आई सी एस बी आई आर बी आई कमिश्नर ऑफ कस्टम्स आपका राइट right आंसर है फर्स्ट सीबीआईसी कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सेवन द प्रोसीजर फॉर आई जी एम एमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट आई जी एम एमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या कहता है इट रिक्वायर एड इन ऑल केसेस के हर मामले में एडजुडिकेशन होगा नहीं ऐसा नहीं है इसमें दो तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं कुछ अमेंडमेंट्स में एडजुडिकेशन होता है और कुछ कुछ जो माइनर अमेंडमेंट्स होते हैं उनमें एडजुडिकेशन नहीं होता सेकेंड ऑप्शन एडजुडिकेशन टेक प्लेस ओनली इन केस ऑफ मेजर अमेंडमेंट्स यस दिस इज करेक्ट आई जी एम कैन बी अमेंडेड एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम एरिया बाय द शिपिंग लाइन ऑन इट्स ओन on its own nahi kar sakte once you filed igm the authority of amendment lies with the customs department none of the above so your second option adjudication take place only in cases of major amendments is your correct answer coming to question number 138 an importer imports goods requiring noc from fssai फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंपोर्टर कोई माल इंपोर्ट करता है और उसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एन चाहिए कैन ही फाइल ए वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री एंड वेयर वेयरहाउस वेयर हाउस द गुड्स विदाउट गेटिंग एन फ्रॉम सी एफ क्या वो अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता है और बाद में एन ले सकता है एफ से ऑप्शन आर स एन ओसी फ्रॉम एफ एस एस सी आई इज नॉट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड तो है ही फूड आइटम में यस हाउ वर एन ओसी फ्रॉम एफ एस एस सी आई नीड्स टू बी अपटेंड बिफोर एक्स बॉन्डिंग ऑफ गुड्स एंड एक्स बॉन्डिंग विल बी अलाउड ओनली आफ्टर गेटिंग एनओसी फ्रॉम एफ एस एस ए आई नन ऑफ दब देखिये ये क्वेश्चन जो है वो उस परिप्रेक्ष्य में इन दैट कंटेक्स टू थाउजेंड नाइनटीन वॉज करेक्ट बट अभी क्या है आपका मैंडेटरी अपलोड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एडवाइजरी जो है सिक्स ऑब्लिक टू थाउजेंड ट्वेंटी वन उसमें अगर कोई एनओसी रिक्वायर्ड है तो वो आपको एट द फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री अपलोड करनी पड़ेगी बट स्टिल थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन डिटर्मिनेशन ऑफ इंपोर्टेबिलिटी ऑफ गुड्स विच डेट इज रिलीवेंट किसी माल की इंपोर्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए कौन सी डेट रिलीवेंट है डेट ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग डेट ऑफ प्रजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री डेट ऑफ एसेसमेंट डेट ऑफ फाइनल एंट्री इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो डेट ऑफ बिल ऑफ लैडिंग बिल ऑफ लैंडिंग की डेट से देखा जाता है कि इस पर यह इंपोर्टेबल आइटम है नहीं है कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 140 फोर्टी एन इम्पोर्टर इंपोर्ट गुड्स फॉर पर्सनल यूज एंड डज नॉट हैव एक पर्सनल यूज के लिए माल मंगाता है और आईसी उसके पास नहीं है वाट नीड्स टू बी डन फॉर सच गुड्स उस माल का क्या किया जाएगा ए पर्सन इंपोर्टिंग फॉर पर्सनल यूज नीड नॉट हैव है फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन द गुड्स नीड टू बी एडजुडिकेटेड एंड कैन ओनली बी रिलीज आफ्टर पेमेंट ऑफ रिक्विजेड फाइन एंड पेनल्टी देखिए एडजुडिकेशन पर्सनल यूज के लिए अगर आदमी ने माल मंगवाया है उसके पास आईसी नहीं है तो पर्सनल यूज के लिए आईसी की आवश्यकता नहीं होती फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बट और हम ऑप्शन देखते हैं तो ये एडजुडिकेशन की बात करता है सेकेंड ऑप्शन दैट इज इन थर्ड ऑप्शन पर्सन कैन कीप द गुड्स एंड वेयर हाउस अपलाई फॉर आईसी एंड क्लियर द गुड्स ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ आईसी फ्रॉम डीजीएफ टी आईसी की आवश्यकता ही नहीं है नो नीड ऑफ आई सी फॉर पर्सनल यूज एंड फोर्थ नैट्स वाई ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन दैलिडिटी ऑफ ए लाइसेंस अनल सस्पेंडेड और रिवोक्ड इश्यूड अंडर रेगुलेशन सेवन ऑफ़ कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन टू आपको सी में जो लाइसेंस मिलता है उसकी वैलिडिटी अगर वो सस्पेंड ना किया जाए रिवोक ना किया जाए तब कितने साल होती है हाउ मैनीयर्स फाइव ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू नो दिस इज़ इन करेक्ट देयर इज़ नो एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस यस देयर इज़ टेन ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू दिस इज़ द करेक्ट आंसर आपके लाइसेंस की वैलिडिटी टेन ईयर्स होती है टू बी रिन्यूड एट द एंड ऑफ इच ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू हर साल रिन्यू किया जाएगा नहीं टेन ईयर्स में एक बार रिन्यूअल होता है प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स ऑन ट्वेंटी मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन देखिए शिपिंग बिल फाइल हुआ फिफ्टींथ मार्च को लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर हुआ ट्वेंटी मार्च को गुड्स शिफ्ट ऑन ट्वेंटी फिफ्थ मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इज टेन परसेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी टेन परसेंट ऑन फिफ्टींथ मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन पंद्रह मार्च को टेन परसेंट ड्यूटी थी एंड चेंज टू ट्वेल्व परसेंट ऑन सेवनटींथ मार्च पंद्रह मार्च को जब शिपिंग विल फाइल हुआ रेट ऑफ ड्यूटी कितनी थी टेन परसेंट और बीस मार्च को जब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर हुआ उस समय ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी क्या थी ट्वेल्व परसेंट क्योंकि सत्रह मार्च को चेंज हो गई सेवनटीन मार्च को चेंज हुआ आपका सेक्शन सिक्सटीन ऑफ कस्टम एक्ट क्या कहता है वो कहता है कि जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया जाएगा उस डेट की रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन एप्लीकेबल होगा ट्वेंटी मार्च को 12 परसेंट इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी थी तो कितने परसेंट से चार्ज होगी 12 परसेंट से ऑप्शन नंबर टू इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 143। फोर्टी थ्री इंपोर्ट ऑफ फ्रेश पटोटो सीड्स रिक्वायर इंपोर्ट परमिट ग्रांटेड अंडर प्लांट क्वारंटीन रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट्स इनटू इंडिया ऑर्डर 2003 थाउजेंड This is the correct answer. Second is CITES. Third one is Biodiversity Act. And fourth one is Wildlife Protection Act 1972. First option is your correct answer. Coming to question number 144. The rate of duty in respect of X bond bill of entry is taken as rate of duty, X bond bill of entry ke liye किस डेट के लिए की जा, जाएगी द रेट ऑफ ड्यूटी एज ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दिस इज द करेक्ट आंसर द रेट ऑफ ड्यूटी एज ऑन द डेट ऑफ ऑफ प्रेजेंटेशन वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री की बात कर रहा है वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री की तो रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन की लगती है जिस डेट को आपकी एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल हो कहा लिखा हुआ है सेक्शन 15 में थर्ड ऑप्शन इज द रेट ऑफ ड्यूटी एज ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल क्लियरेंस फॉर होम कंजन ये कहीं एप्लीकेबल नहीं होता नन ऑफ द एवअब सो दैट्स ऑप्शन नंबर वन इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फाइव ए बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड बाय एन इंपोर्टर ऑन फिफ्टीन मार्च 15 मार्च 2019 को बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई अब देखिए इसकी रिलीवेंसी देखिए इस क्वेश्चन की कि फिफ्टींथ मार्च को ही आपका एग्जाम था सी का 2019 में और यह कहता है कि 15 मार्च को बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई इसका मतलब फिफ्टींथ मार्च को कौन सा डे है आपको पता है मैं जो कहता हूं कि यू शुड अप्लाई योर माइंड ऑल्सो मैं इसी वजह से कहता हूँ कि पंद्रह मार्च को आपका एग्जाम था पंद्रह मार्च को फ्राइडे था फ्राइडे को बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई फिफ्टींथ मार्च को एंड इज एसेसिंग ग्रुप ऑन सिक्सटींथ मार्च एसेसमेंट कब हुआ सिक्सटींथ मार्च को एसेसमेंट हुआ बाय व्हेन ड्यूटी हैजू बी नेसेसरली पेड बाय द इम्पोर्टर टू एवॉइड इंटरेस्ट लाइबिलिटी मैंने आपको पीछे बताया था अभी जिस अगर बिल ऑफ एंट्री असमेंट में जाएगी तो नेक्स्ट डे तक आपको ड्यूटी का पेमेंट कर देना है एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज देखिए फिफ्टींथ को फ्राइडे था सिक्सटींथ को सैटरडे था अब सेवनटींथ तक उसको पेमेंट कर देना चाहिए ड्यूटी का आपके इंपोर्टर को पर चूंकि सेवनटींथ को संडे है दैट इज हॉलीडे एंड दैट इज एक्सक्लूडेड तो आपको एटींथ मार्च तक का टाइम मिलेगा ड्यूटी का विदाउट इंटरेस्ट लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए तो ऑप्शन नंबर टू बाय एटींथ मार्च 2019 इज द करेक्ट आंसर बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और मैं नहीं समझता कि 90 परसेंट से ज्यादा लोगों ने इसको गलत किया होगा कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 फोर्टी सिक्स वेदर कस्टम ड्यूटी इज पेड ऑन कंटेनर्स ऑफ ड्यूरेबल नेचर इन विच गुड्स आर इम्पोर्टेड जो कंटेनर्स आते हैं जिनमें माल रख के आता है आपका स्टफ होके आता है उस पर ड्यूटी का पेमेंट करना होता है फर्स्ट ऑप्शन यस नहीं करना होता तो दिस इज इनकरेक्ट यस बट द ड्यूटी पेड इज रिफंड इज रिफंडेड एज एंड वेन सच कंटेनर्स आर री एक्सपोर्टेड ड्यूटी का कोई पेमेंट नहीं किया जाता नो प्रोवाइडेड द कंटेनर इज री एक्सपोर्टेड विद इन सिक्स और एक्सटेंडेड पीरियड एंड ए बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड बाय द शिपिंग एजेंट और द इम्पोर्टर यस दिस इज द करेक्ट आंसर क्योंकि सिक्स मंथ में उसको रीएक्सपोर्ट हो जाना चाहिए और तब उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 147, फोर्टी सेवन वॉट वॉट इफ एन इम्पोर्टर इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम रिलेटेड सप्लायर तब क्या होगा जब इम्पोर्टर रिलेटेड सप्लायर से माल खरीदता है इम्पोर्ट करता है फेल्स टू सबमिट ऑल द रिक्वेजेड डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एस बी बी इंक्वायरीज और एस बी बी इंक्वायरीज में जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सबमिट नहीं कर पाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट ऑफ द डिक्लेयर्ड एसेसबल वैल्यू बी इंपोज बाय द कमिश्नर ऑफ कमिश्नर फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग द नेक्स्ट थ्री मंथ्स। देखिए टू मंथ्स का टाइम मिलता है एसबीबी में रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए इफ विद इन टू मंथ्स आप सबमिट नहीं कर पाए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट इम्पोज हो जाता है तो यहां वही बात है तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है सिक्योरिटी डिपॉजिट एट ए रेट ऑफ फाइव परसेंट ऑफ द डिक्लेयर्ड एसेसबल वैल्यू शैल बी इम्पोज बाय द कमिश्नर फॉर ए पीरियड एंड पीरियड नॉट एक्सीडिंग द नेक्स्ट थ्री मंथ्स सेकेंड ऑप्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट एट ए रेट ऑफ वन परसेंट यह टू थाउजेंड सिक्सटीन के पहले की बात है वन टू फाइव परसेंट वो इम्पोज कर सकता था अब ये एक ही रेट हो गई है फाइव परसेंट थर्ड है डिपार्टमेंट सेल रिसोर्ट टू एनफोर्समेंट मीजर्स लाइक सर्च ये सारे के सारे एनफोर्समेंट मीजर्स जो हैं वो आफ्टर पासिंग ऑफ दैट थ्री मंथ्स जब पांच परसेंट भी लगा चुके तब भी उसने रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं की है तब ये एप्लीकेबल होते हैं नन ऑफ द एबअब हैंस ऑप्शन नंबर वन इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 148 फोर्टी एट एंड एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम एम्स एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम्स का टारगेट क्या है उसका उद्देश्य क्या है टू अलाउ एनी ड्यूटी फ्री इनपुट्स फॉर एनी इंडस्ट्री ड्यूटी फ्री इनपुट्स इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवाने के लिए टू अलाउ ड्यूटी फ्री इनपुट्स इम्पोर्ट्स ऑफ इनपुट्स विच आर फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऐसे इनपुट्स जो कि फिजिकली किसी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का हिस्सा बनेंगे उनको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करवाने के लिए एडवांस ऑथराइजेशन इश्यू किया जाता है यस दिस इज द करेक्ट आंसर टू अलाउ इम्पोर्ट ऑफ इनपुट्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी जीरो ड्यूटी पे आते हैं कंसेशन की कोई गुंजाइश नहीं है नन ऑफ द एब ऑप्शन नंबर टू टू अलाउ ड्यूटी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स आर फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इज योर करेक्ट आंसर ये एब से इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वैन कैन प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स सीज द गुड्स प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स कब सीजर कर सकता है गुड्स का वेन द गुड्स आर liable for कॉन्फिस्केशन जब माल कॉन्फिस्केशन अधिहरण करने के लायक हो जाए when ऑफिसर थिंक्स दैट दे शुड बी seized, उसके सोचने से कुछ नहीं होता प्रॉपर ऑफिसर ने सोच लिया और सीज कर लिया इस तरह से कोई प्रोविजन नहीं है When दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन के लिए रजिस्टर्ड होने से कोई मतलब नहीं है क्शन अंडर सेक्शन 111 और 113 हंड्रेड इज योर करेक्ट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिवार्ड स्कीम. इनमें से कौन सी रिवार्ड स्कीम है? देखिए दो तरह की स्कीम्स होती हैं ड्यूटी एग्जाम्सन स्कीम एंड रिवार्ड स्कीम रिवार्ड स्कीम में आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलता है एग्जाम स्कीम में आपकी ड्यूटी जो है वो नील हो जाती है से रिवार्ड स्कीम कौन सी है एडवांस ऑथोराइजेशन में ड्यूटी ने हो जाती है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और बेसिक कस्टम ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी ने हो जाती है एम ई आई एस एंड एसईआईएस स्कीम्स एम ई आई एस एंड ए सी आई एस स्कीम जो है वो रिवार्ड स्कीम्स हैं नन ऑफ द एबअब एम ई आई एस एंड एसी आई एस स्कीम ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर तो इस तरह से हम 2019 के क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन को हल कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन आपके पास आ गई है नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 के क्वेश्चन को एनालाइज़ करेंगे उन पे बात करेंगे तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए थैंक यू